सो फाइनली दोस्तों सिंघम अगेन को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज गाइस, ट्रेलर एक नहीं दो आएगा, लेकिन भाई साहब दो ट्रेलर कब तक आएगा पूरी खबर लेकर आया हूं। लेकिन दोस्तों ये क्या ट्रेलर में इतना ज्यादा वायलेंस है, इतना ज्यादा वायलेंस है, इतना डार्क ट्रेलर काटा है रोहित शेट्टी ने कि भाई सीबीएफसी ने अप्रूव ही नहीं किया गाइज, एंड लगा दिए हैं दो ट्रेलर पे 10 कट। गाइज बताऊंगा दोस्तों क्या है माजला क्यूबी सोर्सेस से बड़ी खबर आ रही है इस टाइम पे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, लाइक कमेंट करना, भाई रवि चौधरी प्यार देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सो भाई लोगों आज देखो फैंस असेंबल हेयर क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आज गई 25 सितंबर दोस्तों, और जैसे ही बता दूं कि 2-3 से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और उसके बाद दोस्तों होगा धमाका सिंघम का, यानी कि आला रे आला अपना बाजीराव बाजीराव आला विथ ग्रैंड ट्रेलर एंड टीजर लारा। मतलब कुल मिला के दोस्तों आप समझ जाओ कि भाई साहब टीजर की उम्मीद लगा के बैठे हम, पोस्टर की उम्मीद लगा के बैठे। आई नो यू आर सो एक्साइटेड एंड क्रेजी अबाउट द पोस्टर्स, ट्रेलर कब आ रहा है दोस्तों मुझे पता है, और जिस हिसाब से ट्रेलर को लेकर हाइप चल रही है, ट्रेलर को देखने के लिए हम सब लोग उत्सुक हैं एंड काफी ज्यादा क्रेजी है दोस्तों मुझे पता है। लेकिन गाइस प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि अभी मैंने रोहित शेट्टी का इंटरव्यू देखा था एंड आप मानोगे ना दोस्तों, रोहित शेट्टी ने पिंकविला के रिपोर्ट में पता है क्या बोला है कि ये एक फालतू कहानी नहीं होने वाली है। आई मीन ऐसा नहीं होने वाला है कि हमने ब्रांड के चक्कर में इस फिल्म को बनाया है। गाइज इसकी स्टोरी बिल्कुल ही खतरनाक है, ऐसी स्क्रिप्ट होने वाली है कॉप यूनिवर्स की, जो मुझे लगता है शायद आपने स्पाई यूनिवर्स की मूवी तो देखी होगी, पठान और टाइगर, उनकी स्टोरी मुझे तो बिल्कुल खास नहीं लगी दोस्तों। लेकिन कॉप यूनिवर्स की स्टोरी बहुत ही फाड़ू है एंड रोहित शेट्टी का एक चीज़ मानना बहुत जरूरी है, स्टोरी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, स्टोरी अच्छी नहीं तो सब कुछ बेकार है। सो गाइज रोहित शेट्टी जो है पिंकविला मीडिया के सामने आकर साफ साफ बोलते हैं कि जो लोग ये सोच रहे कि अजय देवगन की इस फिल्म को कोई भी स्टोरी नहीं है, ऐसे ही बना दी है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सो गाइस इट्स नॉट अ ट्रू एंड इसकी स्टोरी बहुत ही लाजवाब होने वाली है। एंड कॉप यूनिवर्स के फादर है भैया अजय देवगन, ठीक है, और रोहित शेट्टी एंड अजय देवगन का जो कॉम्बो बनता है ना भाई वो जबरदस्त बनता है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे गाइज बता दूं कि बहुत जल्द आज 50,000 क्रॉस हो जाएगा, जब तक कि कुछ आया नहीं है दोस्तों फिर भी 50,000 क्रॉस कर देगी आज। वही भूल भुलैया 3 भाई साहब भूल भुलैया में खो चुकी है, क्योंकि अभी तक इनका कुछ पार्ट क्लाइमेक्स का अधूरा है जो कि शूटिंग चल रही है सुनने में आ रहा है। एंड गाइज भूल भुलैया 3 जो चांसेस पूरे लग रहे हैं, हालांकि रिलीज तो होगी लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पोस्टपोन होगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे बहुत तगड़ा बज बना हुआ है सिंघम अगेन का, एंड ये फिल्म फर्स्ट डे की ओपनिंग 100 करोड़ कन्फर्म है माय डियर फ्रेंड, 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड कन्फर्म होने वाला है। इसके साथ ही साथ अभी दोस्तों 2 तारीख को और 3 तारीख को एक ट्रेलर तो आने वाला है, जो कि मैंने बताया था 3 मिनट का 3.5 मिनट का एक ट्रेलर आएगा। गाइज एक नहीं अब 2 ट्रेलर लाने की बातचीत चल रही है एंड सोर्सेज बता रहे हैं कि 2 ट्रेलर जिसमें एक ट्रेलर होगा स्टोरी प्लॉट का एंड दूसरा ट्रेलर जो आएगा वो कब होगा रिलीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोनों ट्रेलर का बता दूं। जो 2 और 3 तारीख को ट्रेलर आएगा उसमें ऑफकोर्स जितने भी कैरेक्टर लोग हैं, चाहे वो बाजीराव हो गया, सिम्बा हो गया, सूर्यवंशी हो गया, उनकी एंट्री को दिखाया जाएगा, कहीं ना कहीं एक्शन सीन्स को दिखाया जाएगा एंड गाइज एक पहला स्टोरी लेवल दिखाया जाएगा कि फिल्म कैसी होगी, कितने बड़े लेवल की होगी, बिकॉज इट्स फर्स्ट इंप्रेशन गाइज। उसके बाद एक और ट्रेलर जो कहा जा रहा है कि 20 अक्टूबर के आसपास आएगा, 20 से 21 अक्टूबर के आसपास, जो कि ये ट्रेलर फुल टू फुल एक्शन एंड फुल टू फुल पावरफुल होने वाला है, जिसमें सारे कैरेक्टर दिखेंगे। इसके साथ ही साथ इसमें इतना एक्शन होने वाला है, इतना एक्शन होने वाला है कि आपने भी पीछे बड़े में छोटे में देखा था उससे ज्यादा भूल जाओगे एक्शन। एंड उसके अंदर दोस्तों स्टोरी प्लॉट को भी रिवील किया जाएगा और अच्छे तरीके से। एंड आपको बता दूं गाइस कि इसमें जो विलन है, हमें लग रहा है कि सिर्फ 2 ही विलन है, बट गाइस बिलीव मी, क्योंकि सिंघम अगेन के बाद जब सिंघम 4 पार्ट आएगा, कहा जा रहा है कि सिंघम 4 के जो विलन होंगे उसका भी मेन झलक, यानी कि उसकी भी अपीयरेंस एक ग्रे शैडो में दिखाई जाएगी। आई मीन दोस्तों आप तैयार हो जाओ सिंघम 4 के लिए भी, क्योंकि कॉप यूनिवर्स में एक ऐसा विलन होने वाला है जो पूरे कॉप यूनिवर्स का कर्ता धरता होगा। आई मीन दोस्तों आपने क्या बोलते हैं एवेंजर्स मूवी देखी होगी, जिसमें लास्ट में एक ही विलन निकलता है थानोस, और उसके सारे सब विलन अलग अलग पार्ट में होते हैं, ऐसा रोहित शेट्टी बना रहे हैं। रोहित शेट्टी जो है सिंघम अगेन के बाद सिंघम 4 की तैयारियों में भी जुड़ चुके हैं और एक ऐसा विलन तैयार कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। और दोस्तों सिंघम 3 के एंड में अजय देवगन बिल्कुल नहीं मरते हैं, बल्कि सिंघम अगेन के 4 में ऐसा विलन दिखने वाला है जो शायद आपको एक क्लाइमेक्स पार्ट में तो दिखेगा ही फिल्म के एंड में, एंड सिंघम 4 में उसकी क्या बोलते हैं एक नया रूप देखने को मिल सकता है।
एक बड़ा विलन देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो दो ट्रेलर है, ये दो ट्रेलर मैंने बता दिया वो कब कब आएगा। इन दोनों ट्रेलर में काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है एंड बोला जा रहा है कि भाई साहब अक्टूबर से ही प्रमोशन स्टार्ट होने जा रहा है, कैंपेन स्टार्ट होगा, मोशन पोस्टर सब कुछ अक्टूबर में आएगा। अब एंड अब रोहित शेट्टी फाइनली इसकी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी गाइज। एंड आपको बता दूँ कि भूल भैया 3 वर्सेज इफ इन अ केस सिंगम अगेन अगर होता है भी है, वैसे तो हो गई, अगर होता है तो डेफिनेटली दोस्तों सिंगम अगेन की हाइप बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होने वाली है। इसका फर्स्ट सॉन्ग कब आ सकता है गाइस? फर्स्ट सॉन्ग की अपडेट आई है मेरे पास, जो कि 10 तारीख और 12 तारीख के आसपास एक पहला सॉन्ग आएगा, एक रोमांटिक सॉन्ग जो कि एसएस राजामौली के फिल्म सिटी में शूट किया गया था विद अजय देवगन एंड करीना कपूर खान, जो कि कहा जा रहा है कि अरिजीत सिंह के सॉन्ग है, जुबिन नौटियाल के सॉन्ग है, सोनू निगम के सॉन्ग है गाइस, एंड क्या बोलते हैं श्रेया घोषाल भी का हिस्सा है, सॉन्ग उनके भी है कुछ। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि भाई साहब इसकी एडवांस बुकिंग जो है ना वो कम से कम भी 25 तारीख से ओपन हो जाएगी। जी गाइस, 25 तारीख से एडवांस बुकिंग फुल फ्लैश तरीके से ओपन हो जाएगी 25 अक्टूबर से। एंड आपको बता दूं कि बहुत जल्द दोस्तों रोहित शेट्टी जो है मीडिया के सामने आने वाले हैं एंड ग्रैंड ट्रेलर को प्रेस के सामने रिलीज करेंगे दोस्तों, ठीक है। एक भव्य तरीके से मुंबई में इवेंट रखा जाएगा ट्रेलर के लिए, ऐसे डायरेक्टली रिलीज नहीं किया जाएगा एंड उसकी प्रमोशन की जाएगी। सो गाइस वेट एंड वॉच क्या होता है। एंड रही बात दोस्तों स्क्रीनशॉट काउंट की, तो सुनने में आ रहा है कि भाई साहब स्क्रीन्स और काउंट ना सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं। स्क्रीन्स कम से कम भी इसको 4000 के ऊपर स्क्रीन्स मिलने की बातचीत चल रही है इंडिया के अंदर एंड ओवरसीज में इसको कम से कम 2700 स्क्रीन्स पे रिलीज करने की बातचीत चली जा रही है दोस्तों, क्योंकि अभी देखो सोलो रिलीज तो हो नहीं रही, क्लैश है भूल भुलैया 3 के साथ। एंड गाइस कुछ लोग तो अभी मैं आपको बता दूं कि अभी भी ये सोच के बैठे हैं कि भूल भुलैया 3 जो है वो जीत जाएगी, बाजी मार देगी एंड ज्यादा कलेक्शंस करेगी, क्योंकि उनको लगता है कि भाई साहब विक्की प्लीज स्त्री 2 वाले जो फिल्म मेकर हैं प्रोड्यूसर है, क्योंकि उनकी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है एंड हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स अच्छा कर रही है गाइज, आप भूल नहीं सकते हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स अच्छा कर रही है। लेकिन आपको बता दूं कि एक्शन फिल्म के अंदर अगर स्टोरी भी होती है ना, प्रभास की एक्शन फिल्म आई, जवान आई, पठान आई, सनी देओल की एक्शन फिल्म आई गाइज, अगर अजय देवगन ने भी पीछे कई ऐसी फिल्में दी है जो कहीं ना कहीं सॉफ्ट फिल्में थी, इमोशनल थी, लेकिन अजय देवगन का भी एक्शन अवतार हमने 90s में देखा है एंड वी आर वेटिंग टू सी अक्षय कुमार इन द एक्शन फॉर्म। एंड दोस्तों बाजीराव सिंघम वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म फॉर अजय देवगन, जो कि कहीं ना कहीं मेरे भाई ये फिल्म जो है सबके रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि अजय देवगन की फैन फॉलोइंग और कार्तिक आर्यन की फैन फॉलोइंग में जमीन आसमान का फर्क है, वो बच्चा है, वो बाप है, सर अंतर साफ है सही रिदम बन गया ना वो बच्चा है ये बाप है अंतर साफ है, तो समझ जाओ गाइस। थैंक यू सो मच दोस्तों, क्या लगता है, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द ट्रेलर। एंड एक चीज और बता दो दोस्तों जाते जाते कि जो 10 कट लगाए गए हैं, 5 पहले में 5 दूसरे में, टोटल 10 कट लगे हैं और वो 10 कट दोस्तों अभी तक डिटेल तो नहीं आई है, बट सुनने में आ रहा है कि ये 10 कट की वजह से CBFC ने जो है वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया हुआ है, ऑन होल्ड डाल रखा है ट्रेलर को, इसी वजह से थोड़ा डिले चल रहा है। बट गाइस ट्रस्ट मी, जैसे CBFC का अप्रूवल आ जाता है, हरी झंडी आ जाती है ट्रेलर को पास करने के लिए, ये दोनों ही ट्रेलर उसी डेट पर आएगा। 10 कट के अंदर जो मुझे 2-3 कट पता लगे हैं, पहला कट तो ये पता लगा है कि भाई इसके अंदर जो है क्या बोलते हैं, एक तो अल्कोहल, उसके अलावा अब्यूजिंग लैंग्वेज और डार्क वायलेंस, मतलब बहुत ही ऐसा वायलेंस से खून खराबा जिसको कम करने की मांग चली गई है CBFC के द्वारा। एंड CBFC ने बोला है फिल्म मेकर रोहित शेट्टी को थोड़ा सा इसमें वायलेंस कम किया जाए एंड उसके बाद दोबारा इसको सबमिट किया जाए ताकि हम इसको अप्रूव कर सके। सो गाइस वेट एंड वॉच, वेटिंग फॉर द 2 और 3 अक्टूबर। अब उसके बाद ही कुछ बड़ा आ सकता है, उस दिन कुछ बड़ा आएगा ट्रेलर दोस्तों, लेट्स सी क्या होता है गाइस। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द ट्रेलर एंड भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम अगेन कौन मारेगा बाजी, कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या लगता है बंपर ओपनिंग कर पाएगी सिंघम अगेन, और जो छपरी लोग बोल रहे हैं कि भैया अजय देवगन की फिल्म फ्लॉप होगी, क्या जवाब देना चाहोगे? थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।